अच्छा यहाँ पे जरा मुझे जरा ये बात कि फर्ज करें कि मैं एक जगह से गुजर रहा हूँ, मगरिब की अजान हो जाती है, वहां पे अहले तशी की मस्जिद है, मैंने वहां जाकर नमाज पढ़ ली, मेरी नमाज जायज है ना? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये हर एक के अपने जमीर का फैसला है, ईमान का फैसला है, हम किसी पर जबर नहीं करते। और जैसा ने कहा कि ला इकराह फिद्दीन, जिस तरह आपको सऊदी अरब में जाके नमाज पढ़नी पड़ती है, आपसे कोई मसला पूछे कि वो उस मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकता है या नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा? आपकी फिका से ताल्लुक रखने वाला है। हम किसी को पाबंद नहीं करते, बताया ना कि किसी मस्जिद के दरवाजे पर कोई चेकिंग वाला नहीं है कि मसलक की बुनियाद पर। अच्छा, आपकी मस्जिद में कोई अहले तशी से ताल्लुक रखने वाला कोई आ जाए, आए पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं कोई जी। हनीफ जलंधरी साहब, खैरुल मदारस में कोई शिया आ जाए नमाज पढ़ने के लिए तो उसमें कोई मसला तो नहीं है? वेलकम, कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी आना चाहे आए, हमारे यहाँ शुक्र है इस मसले पे तो ऐसी पाबंदी नहीं है। आपके उलमा मेरे पास जो वहाँ उनके जामिया के हैं, आए दो घंटे मेरे साथ अगरात के दारुल। आपकी किसी मस्जिद में, अहले तशी की मस्जिद में कोई चला जाए दूसरे, तो गुजारिश किया कि हमारे फुकहा हमें कहते हैं कि हम जाके उनकी मस्जिद में नमाज पढ़े ताकि इत्तेहाद वजूद में आए। इस्लाम का पैगाम इत्तेहाद है, हज की रूह इत्तेहाद है।